ऐसा शख्स था अपने मिलावांगे जिसने 8000 लोगों के घर बसैर के 8000 शादियां करवा दी, 8000 लोगों का ब्याह करवा दिया, वो भी जो है परफेक्ट मैच। सोनीपत में मैं मौजूद हूँ ककरोई रोड पे, और पीछे आप मेरा देखोगे बैनर लग रहा है सुनील मित्तल मैरिज ब्यूरो, पास में आप देखोगे तो दयानंद हॉस्पिटल के बिल्कुल। राम राम राम, नमस्कार, मैं हूँ मेनका देसवाल और आप देख रहे हो पब्लिक मीडिया हरियाणा। भाई इधर देखो फ्लैक्स लग रहे हैं सुनील मित्तल मैरिज ब्यूरो, रिश्ते रिश्ते, और टाइम रवागा कार्यालय फोन करने का 10 से लेकर 5 तक। किस किस टाइप के रिश्ते करवाना है के खास बात रहेगी वो सारे जो है सुनील सर को जानेंगे। अगर आपका भी घर में बेटी बेटा लड़का या खुद अनमैरिड हो और आप चाहो हो कि आपने जमा परफेक्ट मैच मिला है जिसे आप चाहो हो वैसा ही मिला, तो आप भी जो है संपर्क कर सको सुनील मित्तल सर के पास, मिलवा दे सर तो बात करवा दे भाई के कुछ खास बात रहेगी। 8000 रिश्ते आपने करवाए हैं, किस तरह करवाए, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट काम है। आपने बेरा भाई आज तो एक दो दो बालक हो जो उनके रिश्ते करवाने बहुत मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि भाई समस्या आ जाती है बढ़िया बच्चा ढूंढने की। भाई लड़का है तो उसके लिए अच्छी लड़की ढूंढने में समस्या आती है, लड़की है तो अच्छा लड़का ढूंढने में समस्या आती है। नमस्कार, राम राम। नमस्कार जी, कैसे हो सर? बिल्कुल बढ़िया। मैंने सुना सर आपने 8000 से ज्यादा लोगों को घर बसा दिए। ऐसा जी, हमारे यहाँ पे जितने भी आज तक रिश्ते हुए हैं ना जी, वो टोटल नेट एंड क्लीन है। सबसे पहले तो आपके दर्शक जो भी देख रहे हैं, सुनील मित्तल की तरफ से राम राम नमस्कार, और आप इतनी दूर से आए, आपका मोस्ट वेलकम। प्लीज आप बैठो, फिर बैठ के बात करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। सर 8000 रिश्ते, आज एक एक दो दो बच्चा हो जाए ना किसी का, समस्या हो जाती है भाई परफेक्ट मैच कैसे करें, मतलब सारे गुण की स्त्रियां मिलावा, सारी क्वालिटी कैसे मिलावा, तो आप ये कैसे करते हैं सर? ऐसे है जी, कोई भी इंसान जब कोई काम करता है ना अपनी लाइन का, जैसे किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर अपनी लाइन का उसको हर आदमी का तजुर्बा होता है। अब ये जो अपना ऑफिस है सुनील मित्तल मैरिज ब्यूरो, ककरोई रोड नजदीक रवि धर्म कांटा सोनीपत हरियाणा, तो हमारे यहाँ पे क्या है, ये जो ऑफिस है ये 3 जनवरी 2009 से है, मतलब 15.5 साल से ये ऑफिस है। 15.5 सालों से यही काम जी अपना 15.5 साल से यही ऑफिस है, यही टाइम है। जो ऑफिस का टाइम है वो सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे है, और सोमवार की छुट्टी होती है। हमारा काम करने का तरीका क्या होता है जी, हम लड़की वालों के पास बायोडाटा भेजते हैं, लड़के वालों के पास बायोडाटा भेजते हैं। थोड़ा रोकना चाहूंगी सर, किस किस जाति के रिश्ते आप करवाते हैं, क्योंकि देखो हरियाणा है, हरियाणा में समाज जाति ये सारी चीजें दिखती है। जी जी, हमारे पास जो भी रिश्ते जितने भी हमारे पास हैं वो अग्रवाल, जैन, ब्राह्मण, जाट, पंजाबी, इन कास्ट के लिए हमारे पास स्पेशल है ये। अच्छा, ये जो ऑफिस है 15.5 साल से अग्रवाल, जैन, ब्राह्मण, जाट, पंजाबी के रिश्ते हैं। तो जाटों के रिश्ते भी करवाते हैं? खूब है जी, खूब। जाटों बहुत समस्याएं रहती हैं सर। ऐसा है मेरी बहन, आप अपनी जगह बिल्कुल सही हो, जाट समस्याएं तो हर कास्ट में रहती है जी। अच्छा जी, अब आपकी कास्ट में क्या है, जाट कम्युनिटी में थोड़ा गवर्नमेंट जॉब को ज्यादा महत्व दी जाती है। जो लोग हैं पढ़े लिखे हैं, वेल एजुकेटेड हैं, उन लोगों के बिजनेस को भी पसंद किया जाता है। इब हमारे पास जो बायोडाटा आते हैं, जैसे बीटेक भी लड़के हैं, एमटेक भी हैं, एमसीए भी हैं। अच्छा, कुछ लड़के ऐसे भी हैं जो यहाँ के लड़के फॉरेन में सेट हैं, तो हम विदेशों में सेट है, तो हम उसी हिसाब से जो उसकी रिक्वायरमेंट है बायोडाटा भेजते हैं। मैं एक मिनट बताना चाहता हूँ आपको, हम करते कैसे हैं काम जी। हम जैसे मान लो कोई लड़की है गवर्नमेंट जॉब में है, सपोज करो जाट कम्युनिटी है, कोई भी कम्युनिटी है, तो गवर्नमेंट जॉब में है, उसकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट रहती है मुझे गवर्नमेंट जॉब का लड़का चाहिए। हम जो उसको प्रोफाइल देंगे वो 50 किलोमीटर के आसपास की देंगे, ताकि दोनों पार्टी आप अपनी अच्छी तरह से तसल्ली कर लें। गोत वगैरह मैच करके भेजते हैं, मांगलिक नॉन मांगलिक सर्च करके भेजते हैं। अच्छा जी, और सामने वाले की हर तरह से पता करते हैं कि सामने वाला परिवार कैसा है, नंबर वन बात। दूसरी चीज, मान लो कोई हरियाणा की प्रोफाइल है, हमारे पास जैसे रिश्ते ऑल ओवर इंडिया के हैं, यहाँ नेशनल इंटरनेशनल रिश्ते आप अग्रवाल, जैन, ब्राह्मण, पंजाबी, जाट के आप ले सकते हो। देश विदेश के रिश्ते हमारे पास उपलब्ध हैं, उसमें सीए, डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, आईआरएस, आईपीएस, जज, कमिश्नर, गरीब, मध्यम, हर प्रकार के रिश्ते हैं। चाहो हो कि बड़ा तो बड़ा ऑफिसर का रिश्ता आप करवाओ। बहन पता क्या है, करवाने वाला तो देखो परमात्मा है, हमारा होता है काम करने का तरीका। भी पहले लोगों की सोच ये होती थी कि मैरिज ब्यूरो में वो लोग जाएं जिसके रिश्ते नहीं बनते। आज की डेट में क्या है, मान लो अब मेरी गुड़िया है या परिवार में कोई बच्चा है वो केवीएस में लग गया फॉर एग्जाम्पल, पहले तो आजकल जॉब मिलनी मुश्किल है, जो मिल जाती है तो उसकी मैचिंग मिलनी मुश्किल है। आप इसको ऐसा मान सकते हो कि आप मान लो प्रॉपर्टी का काम कर रहा है कोई बंदा, और उसको किसी सेक्टर में मान लो कोठी चाहिए, मकान चाहिए, प्लॉट चाहिए, और वो डीलर के पास जाएगा तो उसको उसकी लिमिट
उसकी क्वांटिटी उसके बजट के हिसाब से उसके एरिया के हिसाब से जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है। हमारे यहाँ पे हर टाइप के रिश्ते उपलब्ध हैं, हम उनके व्हाट्सएप नंबर पे बायोडाटा भेजते हैं, फिर लड़की वालों से पूछते हैं। अच्छा, कैसे संपर्क करें मित्र साहब आपसे? हमारा जो नंबर है ऑफिस का 8950331000 जो आप स्क्रीन पे आप दिखाओगे, तो उससे क्या है कोई भी इंसान सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक कॉल कर सकता है सोमवार को छोड़ के। अच्छा, इसमें अगर हम तलाकशुदा की बात करें या फिर मतलब बांझ है या उम्र जिसकी निकल जाती है जी, तो हमारे पास 21 साल की एज से लेके 45 साल के मध्य आप कोई भी रिश्ता ले सकते हो। उसमें क्या है, जैसे कोई डाइवोर्सी है, विडोवर है या अनमैरिड है, जैसी भी प्रोफाइल चाहिए। बांझ की क्या होता है जी, कई बार आजकल देखो पता नहीं लगता, प्रॉब्लम का पता नहीं लगता, किसी को भी हो जाती है, वो जेंट्स को भी प्रॉब्लम हो जाती है और लेडीज को भी हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास आते हैं लोग कहते हैं जी मेरे पास एक बेटा है या एक बेटी है, मोस्टली बोलते हैं मेरे पास एक बेटा है, मुझे वो लेडीज या लड़की चाहिए जिसको बच्चे नहीं होते, वो प्रोफाइलें भी हैं। तो सब टाइप की हैं जी, जैसे मान लो ये लगा लो मैं हमारे पास बीटेक एमटेक एमसीए या चार्टर्ड अकाउंटेंट या गवर्नमेंट जॉब, यानी आप ये लगा लो भी 10,000 पे जमीन भी नहीं होती तो उनके लिए भी है कुछ बहन। उसके लिए पता क्या है, कोई भी लड़की वाला है, हम क्या करते हैं लड़की वालों के पास बायोडाटा भेजते हैं, लड़की वालों का बायोडाटा सिक्योर रहता है। यहाँ पे लड़की वालों के पास बायोडाटा भेजते हैं, अगर लड़की वाला कहता है मेरी साइड से यस है तो रिश्ता बनेगा, अगर लड़की वाला नहीं कहता है जी पसंद नहीं है तो उसको तो मित्तल साहब भी कुछ नहीं कर सकते। इतना हो सकता है आपको कोई प्रोफाइल 80% पसंद आई है या 70% पसंद आई है, तो हमारा एक एक्सपीरियंस हो जाता है काम करने का। कोई भी इंसान किसी लाइन में काम करता है तो उसका एक्सपीरियंस हो जाता है, तो हम उसको समझा देते हैं, बताते हैं, बताने का फर्क पड़ता है, बाकी करना तो लड़की वालों को लड़के वालों को होता है जी। रही बात आपने बोला भी जिस बच्चे की इनकम मान लो 20,000 रुपये महीना है, सपोज करो आपका कहने का मतलब यहाँ पे है भी 20,000-25,000 रुपये महीना इनकम है, उसके अलावा उसकी खेत की इनकम है या कोई बिजनेस की इनकम है या रेंट की इनकम है, अगर उसका सिस्टम ठीक है तो रिश्ते बनते हैं जी। बिल्कुल, रिश्ते तो आप ये लगा लो मान लो कोई लड़की वाला है या कोई लड़के वाला है, गरीब के भी रिश्ते बनते हैं। जब रिश्ता बन जाता है जो किराए पे रह रहा है उसका भी बन जाता है, अब जे नहीं बनता जी, बड़ी बड़ी कोठी बंगले वाले हैं उनके भी नहीं बन पाते। उसमें कई चीजें देखी जाती हैं, सामने वाले का खानदान कैसा है, रेपुटेशन कैसी है, कोई शरीर में कोई मतलब कोई ऐब तो नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं है या झूठ बोलने वाली फैमिली तो नहीं है। फिर रिश्ता खाली पैसे को देख के नहीं होता। मान लो कोई लड़का है और वो बोल देता है जी मेरा तो 50 लाख का पैकेज है, हमारे पास कोई बायोडाटा है, 1 CR के पैकेज है, 2 CR के पैकेज है या ISI जो भी है, तो उसके अंदर उस लड़की वालों को पता लगता है, हमें पता लगता है झूठ है, चाहे वो कितनी भी बड़ी पोस्ट पे है वो जीरो है। बिल्कुल, क्योंकि रिश्ते नाते में कोई भी परिवार अगर अपनी बेटी को किसी के घर में देता है तो उसको पैसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, जीवन जीने के लिए पैसे की जरूरत होती है, उसके बगैर आप जीवन नहीं जी सकते। अगर आप ये चाहते हो कि लड़की वाला अब इस पैसे को देख के ही सब कुछ कर लेगा, नहीं, इम्पॉसिबल है जी, वो सब कुछ देखा जाता है। हमने अक्सर ऐसा देखा है जब हमारी बेटी है, हम जहां भी रिश्ता करते हैं वो नॉर्मल फैमिली है वहां भी सुखी रहती है, और जो जिसकी करोड़ों रुपए की महीने की इनकम है, साल की इनकम है, वहां भी परेशानियां हैं। तो लेवल रिश्ता जो होता है वो अपने लेवल में ही ठीक रहता है, तो वही काम रहता है। ऐसा जी, हम करवाते कौन है, सबसे पहले तो हम है बताने वाले, हम जैसे दोनों पार्टी को बताते हैं, दोनों से पूछते हैं। ठोक बजाने का मतलब ये है भी हमारी तरफ से किसी प्रकार का कोई झूठ का सहारा नहीं लिया जाता है। हम सामने वाले को बोलते हैं जी ये बायोडाटा है, आप भी तसल्ली कर लो, लड़की वाला भी तसल्ली करेगा, और 50 किलोमीटर के आसपास की बताते हैं, हम भी तसल्ली करते हैं। मित्र साहब, ये भी एक बात पूछना चाहूंगी, पहला अपन देखे है दादे चाचे ताऊ बोले करते, पहले नाई होए करते, ब्राह्मण होए करते, रिश्ता करवाए करते और बड़े सफल भी रहे करते, फिर बीच में बिचौले भी आ गए, फिर उन्होंने कहे करते भाई गुठी दो और रिश्ता करवाओ, तो ये लोग ये पूछा बोले मित्र साहब का केस में अपना फायदा। ऐसा है जी, देखो कोई भी काम है, जैसे हमारे और भी बिजनेस है और मैरिज ब्यूरो का भी है, इसको सेवा भी कह सकते हो और बिजनेस भी कह सकते हो। अगर हम मान लो किसी के पास बायोडाटा भेजते हैं जी, पहले जो रिश्ते होते थे वहां पे देखा जाता था कि फलाने खानदान का पोता है, उसका बेटा है, एक फैमिली टैग चलता था। आज की डेट में वो चीज तो चलती चलती है, उसके साथ बच्चे की पर्सनैलिटी, बैकग्राउंड, स्टेटस, उसकी इनकम, कई चीजें चलती हैं, मांगलिक नॉन मांगलिक भी चलता है। तो ये जो चीजें बढ़ गई हैं समय के अनुसार से, तो उसके हिसाब से स्टाफ भी है हमारे पास, 12-13 बंदों का स्टाफ है, उनके खर्चे भी हैं, अपना ऑफिस पूरा सेट कर रखा है, पूरा ऑफिस सेट कर रखा है। अच्छा, उसके अलावा जो मीटिंग होती है, रोके का प्रोग्राम होता है, उसमें भी हम परिवार की तरह साथ जाते हैं। ये बनिया कम्युनिटी है, मान लो हमारी खुद में अग्रवाल समाज से हूँ, हमारे समाज में क्या होता है, मान लो कोई भी लड़की वाला है, हमारे समाज में लड़की वाला ये बात बोलता है जी मुझे जो रिश्ता चाहिए वो इस बजट में चाहिए,
बजट मीन्स कोई दहेज से नहीं होता, बजट मीन्स क्या है भी इस कैटेगरी का, इस लेवल का कितना खर्च करता है, तो हम उसी हिसाब से बताते हैं उसको। जैसे हमारे पास दिल्ली पीतमपुरा प्रशांत विहार पश्चिम विहार या सूरत गुजरात महाराष्ट्र बॉम्बे कहीं के भी रिश्ते आप ले सकते हो, मतलब आपको जो भी प्रोफाइल चाहिए वो कहीं की भी आप प्रोफाइल ले सकते हो, अग्रवाल जैन ब्राह्मण जाट पंजाबी। आपके बारे में एक बात और सुनी है मैंने मित्र साहब, कि आपने कई गरीब लड़कियां का फ्री में ब्याह करवा और साथ में उसमें कन्यादान भी दिया। ऐसा जी हमारे यहाँ पे कोई भी है, मैं सभी को बोल रहा हूँ, डंके की चोट में बोल रहा हूँ, कोई भी गरीब परिवार की लड़की है उसका निःशुल्क है, हमारे यहाँ से कोई फीस नहीं ली जाती और उसकी पसंद का रिश्ता बताया जाता है और हमारी तरफ से 21,000 रुपए का कन्यादान है। गरीबी का क्या पैमाना? गरीबी का पैमाना ऐसा है जी, मान लो कोई लड़की है वो दो बहने हैं तीन बहने हैं और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, किसी का फादर नहीं कमाता या भाई नहीं है, देखो गरीब का तो पता लग जाता है, बहुत है जी। आप ये मानो कि आपको क्या लगता है गरीबी है नहीं है, खूब है, तो जो इस टाइप की परिवार की लड़की है हम उसको एक भाई की तरह अंकल की तरह उसके साथ रहते हैं, उसको ये नहीं है कि उसको दो रिश्ते बता दिए तीन बता दिए, जो उसको ठीक लगता है फिर उसको बोलते हैं भी बेटा ये प्रोफाइल है आप भी तसल्ली कर लो आपको भी ठीक लगे, अगर दोनों को ठीक लगे करो जी, हम ये नहीं कहते कि मेरे कहने पर रिश्ता करो, बिल्कुल नहीं कहते, हम ये कहते हैं जी हम आपको सपोर्ट करेंगे, आपको जो बायोडाटा चाहिए बायोडाटा बताएंगे, इंक्वायरी करने में आपकी मदद करेंगे, जैसा आपको चाहिए। मान लो कई बार क्या है कोई लड़के वाला आता है कहते हैं जी मेरा तो 50 लाख का पैकेज है और वो झूठ होता है, हम उसमें क्या मदद कर सकते हैं? हाँ कह सकते हैं, हम उसको बोल सकते हैं भी आप कितने साल से काम कर रहे हो, जैसे मान लो मैं 16 साल से 15 साल से काम कर रहा हूँ, हमें आइडिया हो गया, हम बोलते हैं कितने साल से, कहते हैं जी मैं 5 साल से काम कर रहा हूँ, किस कंपनी में कर रहा हूँ, इसी कंपनी में कर रहा हूँ, मुझे सैलरी स्टेटमेंट दे दो, और 2 साल की 1 साल की 3 साल की सैलरी स्टेटमेंट मंगवा लेते हैं, सैलरी स्टेटमेंट मंगवाते हैं उससे सारा आइडिया लग जाता है, वेरीफाई हो जाता है। रही बात कोई गांव राव के जो रिश्ते होते हैं, लड़की कोई भी अपनी बेटी को देता है तसल्ली करता है, जमीन की है जायदाद की है अपना घर है या किराए का घर है जो अगले ने बता रखा है, चाहे जो भी बता रखा है भी वो सत्य होना चाहिए, अगर सत्य होगा तो हमारी भी रेपुटेशन रहेगी और सामने वाले की भी रेपुटेशन रहेगी। झूठ की बुनियाद पर अगर कोई लिखवा के यहाँ जाएगा सपोज करो क्या होगा उससे, उसकी खुद की इमेज खराब होगी क्योंकि मेरे खाली कहने पे तो रिश्ता बनेगा नहीं। अच्छा मित्र साहब, आप 15 सालों से काम कर रहे हो, कभी आपने यूं भी लगा भाई किसी ने यूं कहा बोले मेरा लड़का है लड़की यार बहुत तंग हो लिया सारा हैंड लिया रिश्तेदारी में भी जान पहचान परफेक्ट मैच नहीं मिल रहा यार आप करवाओ। ऐसे तो बहन जी खूब हुए हैं, एक मतलब सबसे टफ मैं बताता हूँ हजारों के हिसाब से, मतलब हमारे पास कुछ रिश्ते तो ऐसे हुए हैं जो हमें भी ये लगा भी परमात्मा ने कमाल कर दिया, मतलब जिन लोगों के पास पैसे का भी अभाव था और हर तरह से अभाव था फैमिली का भी, जैसे फादर नहीं है किसी का, लड़का बड़ा इंटेलिजेंट है या लड़की बड़ी इंटेलिजेंट है, अब क्या होता है मान लो किसी गुड़िया का फादर नहीं है लड़की इंटेलिजेंट है, ताऊ है चाचे हैं वो चाहते हैं कि हम अपने हिसाब से रिश्ता करें, लड़की की क्वालिफिकेशन को देख नहीं रहा, वो किले किले देख रहे हैं या प्रॉपर्टी देख रहे हैं, उससे कोई बेनिफिट नहीं है। जब तक सामने वाले का एक मेंटली लेवल ओके नहीं है ना, गुड़िया लड़का और लड़की के बराबर नहीं है, तो रिश्ता खाली रेंटल इनकम से पैसे से नहीं चलता, सामने वाले की क्वालिफिकेशन है उसका लेवल है वो चीजें भी मायने रखती है, तो वो चीजें भी होनी चाहिए। अच्छा कई बार मित्र साहब भी एक और चल रहा है सिस्टम समाज में वगैरह है, एक जगह से छूट जाए दो जगह से छूट जाए, आपने भी पता है समाज की स्थिति। हाँ जी हाँ जी, बढ़िया घर है तो स्त्रियों की रिश्ते की भी है ऐसा जी, उसमें क्या होता है देखो डाइवोर्स का ये जो आप स्थिति बता रहे हो ये तो अगर कोई रिश्तेदार रिश्ता कराता है वहां पे भी आ जाती है, वहां पे भी आ जाती है। हमने एक चीज का पता है जो हम काम करेंगे वो नीट एंड क्लीन करेंगे। रही बात डाइवोर्स की, तो डाइवोर्स है या विडो है जो भी है इस टाइप का, एज निकल गई तो उस टाइप की भी प्रोफाइल हमारे पास होती है। अच्छा तो आप संपर्क कैसे करें, ऑनलाइन करें ऑफलाइन? हमारे पास आप कभी भी ऑफिस पे आ सकते हो, सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक का टाइम है। सुनील मित्तल मैरिज ब्यूरो ककरोई रोड नजदीक रवि धर्म कांटा सोनीपत। मैं दोबारा अपना नंबर रिपीट कर रहा हूँ, ये नंबर स्टाफ का नंबर है मेरा नंबर नहीं है। आप कभी भी कॉल करो, आप एक बार फोन करो, बार बार फोन करने का कोई फायदा नहीं है, आपके पास बैक कॉल आ जाएगी। टाइम याद रखना सुबह 10 से 5 बजे। नंबर रिपीट करता हूँ 8950331000। चार्जेस जो भी होंगे वो आपने जो स्क्रीन पर नंबर दे रखा है वहां पर जो है मेंशन करके कॉल आप कर सकते हो, सारी चीजें आपको बता दी जाएंगी। ओपन होगा सब कुछ, ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपसे बात कर फ्रॉड निकला, ऐसा तो नहीं मित्तल साहब जी? पता क्या, एक तो आप पूरे सोनीपत शहर में जो भी आपको जानता है किसी से पूछ सकते हो मित्तल साहब का कैसा व्यवहार है। आप कोई भी इंसान सबसे पहले यहाँ ऑफिस में आए मिले, अपने मतलब के बायोडाटा देखे सिस्टम देखे सब कुछ। आपका मैरिज ब्यूरो रजिस्टर्ड है सरकार से? रजिस्टर्ड है जी, बिल्कुल जी, लाइसेंस है, देखो भाई लाइसेंस मिला हुआ है सर को। हाँ, जो चीज है नीट एंड क्लीन, रिश्ते करवाने का लाइसेंस मिल गया हमने। हाँ जी हाँ, ऐसा है जी, रिश्ते करवाने का लाइसेंस आप लोगों के सहयोग से मिला है, लोगों के काम हुए हैं तभी मिला है।
भाई अगर आपका भी मित्तल साहब के वजह से या मित्तल साहब के सहयोग से रिश्ता हुआ है, जितनी भी फैमिली है वो सारी आप कमेंट करके जरूर बताओ भाई मित्तल साहब कैसे रिश्ते कराओ। बाकी जितने मेरे व्यूअर है देखने लग रहे हैं भाई आपका लड़का है लड़की है, पढ़ा तो आपने अच्छे से दिए, लड़का लग भी गया, फिर समस्या रह जाती है भाई परफेक्ट मैच के रिश्तेदारी अम्मा पूछते आंडो भाई बढ़िया लड़का बताओ बढ़िया लड़की बताओ। और देखो न्यू बताने से एक हाथ से कुछ नहीं होता, जब आप जो है मित्तल साहब को 15 साल का एक्सपीरियंस हो, हजारों में रिश्ते इनके पास जो है होते हैं, और ये आपने जब बढ़िया तो बढ़िया रिश्ता बतावेंगे और आपका लेवल का रिश्ता बतावेंगे तो जल्दी तक फोन उठाओ और कॉल करो मित्तल साहब से संपर्क करो। जय हिंद जय हरियाणा।